ओके ठीक है ओके यस आवाज़ आ रही है हेलो चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था देखिए कौन सा ये वाला शायद पेपर कर रहे थे क्वेश्चन नंबर इलेवन था शायद देखते हैं यस यही क्वेश्चन हमने किया था अब चलिए अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी हमने ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था याद है बताइए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था बोलिए याद है किसी को बताइए ये क्वेश्चन किया था जल्दी बताइए फिर मैं स्टार्ट कर। अच्छा किसी को याद ही नहीं है चलो कोई बात नहीं मैं रिकॉर्डिंग सेशन में देख लेता हूँ बायोलॉजी का एग्जांपल हम्म एल बाई टू वाला था ठीक है ये हमने डिस्कस कर लिया था ठीक हाँ चलो ये नहीं डिस्कस किया था आपकी क्लास में कोई बात नहीं है चलिए बी का पार्ट वन पढ़िए जरा जल्दी से बी का पार्ट वन पढ़िए जरा जल्दी से देखिए राइट द फॉर्मुला फॉर डिटरमाइनिंग द देंट अजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में इक्वेंट अजिस्टेंस का आप फॉमुला लिख लोगे यहाँ पे ये सीरीज में तो आर इक्वल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा आपका यहां से देखिए आर इक्वेंट बिटवीन ए एंड बी आर वन प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ये हो जाएगा ठीक और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आप लोगों को बताइए ये पैरेलल में तीनों ओके तो वन अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू और प्लस वन अपॉन आर थ्री ठीक ये हो गया ओके अब देखिए नीचे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है ठीक है क्वेश्चन देखिए द दे इक्लेंट रजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड ये फर्स्ट अरेंजमेंट है और ये सेकेंड अरेंजमेंट है ठीक आपसे कह रहा है आर एस एंड आर पी ठीक आर एस क्या है <coughs> देखिए यहां सीरीज में था ना तो आर एस का मतलब सीरीज़ और आरपी का मतलब पैरेलल ठीक है तो आर एस किसको शो कर रहा है कॉम्बिनेशन इन सीरीज और आरपी किसको शो कर रहा है कॉम्बिनेशन इन पैरेलल ठीक है पैरेलल का आर पी अब बताओ कौन सा ग्राफ करेक्ट ग्राफ है बताइए वी आई ग्राफ बनाया गया है वोल्टेज और करंट का कौन सा करेक्टली है बताइए फर्स्ट यस बिल्कुल सही आंसर है फर्स्ट क्यों क्योंकि मैंने ठीक है, 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 तो है, है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है तो ये देखिए स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हमें पता है क्या सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है पैरल से ज्यादा होता है ठीक सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है

ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या देखना सिखाया सबसे पहले वाई एक्सिस को देखोगे ना ठीक है तो वाई एक्सिस पे क्या है वोल्टेज है और एक्सिस पे करंट है तब तो ये सही है लेकिन अगर ऐसा होता तो एक क्वेश्चन में आपको देता हूं करंट अगर यहां आ जाए और वोल्टेज अगर यहां पर आ जाए इस तरीके से अब बताइए क्या ये करेक्ट है क्या रॉन्ग है बताइए ये करेक्ट है या रोंग है बताइए जो मैंने बनाया है अब ये रोंग हो गया ठीक अब ये रोंग हो गया क्यों क्योंकि जब वाई एक्सेस पे करंट होता है और एक्स एक्सेस पे वोल्टेज होता है तो केस रिवर्स हो जाता है यानी कि अब जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहां पर क्या होगा आरपी इज ग्रेटर देन आर एस ठीक है पहली बात तो ये डायग्राम ही रॉन्ग था है ना तो डायग्राम अगर रॉन्ग था तो उसको करेक्ट कर लो पहले ये रॉन्ग है ये आपका रॉन्ग है मान लो इसको करेक्ट करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा इस बार हमें सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा दिखाना है तो सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा दिखाने के लिए सीरीज का स्लोप कम करना पड़ेगा तो ये आर एस और ये आर पी अब ये करेक्ट हो गया अब ये करेक्ट हो गया ठीक है आप लोगों को समझ में आया ठीक कोई डाउट हो तो बताइए नो, no. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को पढ़ लीजिए और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के बताइए जल्दी से इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कर लोगे पावर का एक्सप्रेशन भी ड्राइव कर लोगे लोग आर हमें लेके आना है अच्छा कर लोगे क्वेश्चन बताओ तो फिर हम नेक्स्ट पे बढ़े बताइए हो जाएगा ना ठीक है हो जाएगा ये सुनो हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं ना काम की चीज देखेंगे ना ये सब आपके सिलेबस में है नहीं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ ठीक है ये सब आपके सिलेबस में है नहीं चलो हम नेक्स्ट पेपर लेते हैं हम लोग चलिए अगर कोई पेपर आपकी क्लास में हो गया हो तो बता देना मुझे ठीक है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर वन का आंसर सी ठीक है बिल्कुल सही आंसर है भाई सी करेक्ट कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताइए अब ये समझ लो आप अपना एग्जाम दे रहे हो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताइए ऑप्शन है बी ऑप्शन है ठीक है तो इसका ऑप्शन बी आपका सही है थर्ड क्वेश्चन बताइए बी अगेन अच्छा भाई ठीक है ठीक है ठीक 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 बिल्कुल सही आंसर है इसका थर्ड का भी बी है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो देखते हैं कहाँ गलत करोगे ये एग्जाम एकदम समझ लीजिए एग्जाम का पेपर चल रहा है क्वेश्चन नंबर फोर बताइए क्वेश्चन नंबर फोर का येस क्या बता रहे हो <coughs> टोमेटो में ऑग्जालिक एसिड सही है भाई सही है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही बात है वेरी गुड नाम भी याद रखिएगा रिविजन सीरीज में कराया भी था है ना बिल्कुल सही बात है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करोगे देखते हैं फिफ्थ का बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्म एज अल्कली अच्छा एक बार बताना सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसने अल्कली बोला है ठीक आप ऑप्शन ए कैसे बता रहे हो बताना जरा अल्कली की डेफिनेशन ही नहीं पता क्या अल्कली कौन होता है ऑप्शन ए कैसे बता रहे हो बता जरा बताइए भाई सोच समझ के बताओ बताइए क्यों भाई ऑप्शन ए कैसे बता दे रहे हो ऑप्शन बी जिसने बताया उसका सही है मतलब उसने एलकली बोल दिया तो आप तो पहले वो सर्च करो ना कि सोल्यूबल इन वाटर कहाँ दिया हुआ है उस पर ही तो फोकस करोगे बाकी कुछ भी लिखा हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है विच इज सॉल्यूबल इन वाटर क्योंकि एलकली का डेफिनेशन ही क्या होता है बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर अब बताइए गलत कर दिया बताइए मतलब जो वो पढ़ाना चाहता है एनसीआरटी में वही आपने गलत कर दिया बताइए समझ गए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन अपनी बेसिक डेफिनेशन पे तो फोकस करो सिक्स का आंसर बताइए का आंसर बताइए परमानेंट हार्डनेस यस बिल्कुल सही है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ऑप्शन सी ओके बिल्कुल सही बात है भाई बिल्कुल सही बात है सिक्स का सी बता रहे हैं बच्चे बिल्कुल सही है ठीक <coughs> सेवेंथ का बताइए सेवन्थ का क्या बता रहे हो सी बिल्कुल सही बात है भाई वेरी गुड बहुत सही वेरी गुड बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने वेरी गुड सेवन्थ का बच्चे ने सी बताया बिल्कुल सही बात है एक चीज़ और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सभी बच्चों को देखिए बात समझिए अभी उसने आपको एम में दिया अब आप मुझे ये बताओ अगर वो एग्ज़ाम में बोल दे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो क्या आप यही बना के आ सकते हो कि नहीं बताइए सेम बताओ एक एक वाले एक के आटम वाले के को को डॉट से से और क्रॉस कर लोगे क्वेश्चन दोनों तैयार हो गए ठीक है देखते हैं आप लोग के मन में क्या आता है एक दिन मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था देखते हैं किसको याद है अच्छा पहले आप थर्टींथ नंबर जरा आंसर मुझे बताइए थर्टींथ नंबर क्वेश्चन आंसर बताइए जरा थर्टींथ का आंसर बताइए जरा बी थर्टींथ का बी बिल्कुल सही बात है कोई कंफ्यूज है क्या बताना जरा भाई एलईडी आपका ट्वेल्व वॉट और सिक्स वॉट का होगा कनेक्टेड सीरीज जब सीरीज में उसने कर दिया तो भाई सीरीज में अगर कर दिया तो करंट सेम होगा ना दोनों में देखो कोई इसमें कंफ्यूज तो नहीं है आपका बच्चा इसमें वो आपको परेशान कर रहा है बेवजह कुछ है थोड़ी ना इसमें ठीक है भाई ट्वेल्व वॉट और सिक्स वॉट का होगा कोई हम क्या करें पावर दी हुई हम क्या करें बट कुछ ना कुछ तो रजिस्टेंस होगा ना एल का तो ये हो गया फर्स्ट एल का रजिस्टेंस आर और सेकेंड एल का एल का मतलब लाइट अम्यूटिंग डाइव ओके तो यहाँ से करेंट आ रहा है तो फर्स्ट और सेकेंड में करेंट तो आपका सेम रहेगा ना भाई करंट तो सेम रहेगा ना भाई क्या दिक्कत है बताओ तो अगर आपका 12 वॉट में 0.06 करंट जा रहा है तो आपका ये जो सेकेंड वाला रजिस्टेंस है जो उसकी सिक्स वॉट का मान लीजिए उसमें भी करेंट तो आपका सेम ही रहेगा कुछ लोग इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप बेवजह इसमें कैलकुलेशन कर रहे हो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है एकदम बेसिक सवाल आपको दिया हुआ है ठीक ओके नाउ अच्छा कुछ लोग अभी भी इस छुट्टियों में फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं बाहर का नहीं ना 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 एनसीआर टी एनसीआर एग्जाम्पल लास्ट टेन ईयर बस अभी बाहर नहीं जाने का भाई उसके लिए पूरे साल भर आपको टाइम दिया गया था 14th, देखते हैं एक दिन मैंने क्लास में पूछा भी था आप लोग क्या बताएंगे 14th में बहुत अच्छा सवाल है बताइए सी बिल्कुल सही बात है भाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है बिल्कुल सही बात है इससे एक बात और पता चलती है कि एनसीआरटी के डायग्राम्स को एग्जाम में एज एट इज प्रिंट करके दे दिया जाता है और हमसे सवाल पूछे जाते हैं ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बताया आपने अब देखो ये वाला तुम गलत कर दोगे पता है और जो गलत कर दिया तो समझ जाना आप तो गए तुम फिर एग्ज़ाम में पहले तो तुम मुझे सिक्सटीन वाला ही बता दो आराम से बताना एकदम तसली से इसकी बहुत प्रैक्टिस कराई मैंने क्लास में सिक्सटीन्थ वाले का बताइए 16th वाले का आंसर बताइए बच्चे डी बता रहे हैं चलो भाई चेक करता हूं मैं कितना सही आप बता रहे हो 16th वाला पूछ रहा हूं आपसे है ना देखिए अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो जिधर अल्फा पार्टिकल जाता है अल्फा पार्टिकल क्या आपका पॉजिटिव हीलियम पार्टिकल हीलियम का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस तो करंट इधर ही जाएगा तो करंट नीचे जा रहा है तो FBI करंट नीचे और बी इधर तो थंब कहाँ आ रहा है बाहर चेक कर लो तो थंब क्या बताएगा आपको भाई बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड और करंट और थंब आ रहा है बाहर तो आपका जो फोर्स है वो बाहर लग रहा है आउट ऑफ द पेज तो बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल सही है है ना बिल्कुल सही आंसर बताया है सेवनटीन जरा बताइए सेवेंटीन बताइए ए ए का मतलब क्या एजर्शन इज ट्रू रीजन इज ट्रू रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन सही बिल्कुल सही एजर्शन ट्रू रीजन ट्रू रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन बिल्कुल सही आंसर बताया है वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन छूट गया ना फिफ्टींथ जरा आंसर बताइए फिफ्टींथ बी resistance of uh, register is reduced to half of its initial value if the parameters of the electrical circuit remains altered the amount of heat produced in the register will become बताओगे इसमें बताओ भाई बताइए बी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बताइए टू टाइम्स या हाफ क्या कहते हो बताओ ऑप्शन बी बता रहे हैं बच्चे हाँ <coughs> बी थोड़ा ठीक लग रहा है अभी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा बाकी सब लोग तर्क वितर्क कर लीजिए देख लीजिए। <laughs> देखिए मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है देखिए बात समझिए भाई उसने बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ आ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इन इनिशियल वैल्यू तो समझिए जरा देखिए कह रहा है इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेंस अनऑल्टर मतलब जो दूसरे पैरामीटर है उसको अनऑल्टर यानी कि उसको चेंज नहीं किया गया है ठीक है ना मतलब <coughs> अगर रेजिस्टेंस आर लगा हुआ था यहाँ पर ठीक और वोल्टेज मान लीजिए वी लगा हुआ है यहाँ पर वी लगा हुआ है ठीक अब एक बार बताओ देखो पता है क्या जब आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो करंट चेंज हो ही जाएगा मेरे ख्याल से क्या सही बात है कि नहीं तो आप करंट पे ज्यादा भरोसा ना करके वोल्टेज पे करिए ना मतलब बात समझिए भाई वोल्टेज के लिए आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी तो आपने फिक्स कर दी ना आप बैटरी पे भरोसा करो बैटरी आपने फिक्स कर दी है ठीक तो बैटरी अगर आपने फिक्स कर दी है तो वी वोल्ट की पहले भी थी समझिएगा जरा है ना मान लो ये ये हीटिंग एलिमेंट है 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 आपका इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है, ठीक इसको टी टाइम के लिए चलाया जाता है कितनी देर के लिए टी टाइम के लिए तो यहां पर हीट कितनी प्रोड्यूस होगी करेंट आई निकलता है ठीक तो एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी आपने लगाया तो आप एक काम करो ना आपका जो फिक्स है वो रखो ना मतलब वोल्टेज आपका फिक्स है तो आप एक काम करो करंट की जो वैल्यू आई टू वी अपॉन आर यहाँ पुट कर दीजिए यानी कि आप हीट का फॉर्मूला वी के टर्म्स में ले आओ ना आपके मन में पता नहीं फीलिंग आ रही कि नहीं सुनो आई की जगह हमने क्या रखा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इन आर इन टी आर से आर कट जाएगा तो हीट का फॉर्मूला वोल्टेज के टर्म्स में आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर टे बहुत सारे लोग बोलेंगे वोल्टेज के टर्म में क्यों रखा आपने क्योंकि पता है जो बैटरी मैंने लगाई हुई है ना बैटरी या वोल्टेज सोर्स जो भी है मेरे पास है ना वो तो फिक्स है ना भाई उस पर ही तो भरोसा करोगे ना भाई बैटरी आप जो एक बार खरीद के लेके आगे खरीद के लेके आगे वो वी वोल्ट की अगर बैटरी है तो वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगी इसको ठीक है तभी तो उसने बोला कीपिंग द पैरामीटर कॉन्स्टेंट यानी कि कॉन्स्टेंट या रिमेन अनऑल्टर मतलब आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो कॉन्स्टेंट है अब देख लो जरा आपको फॉर्मूला पता चल गया हीट का वोल्टेज के टर्म्स में अब आपने क्या किया अब आपने क्या किया पढ़िए जरा ध्यान से रजिस्टर हाफ है ना तो अब आपने न्यू कंडीशन में क्या किया रजिस्टेंस को हाफ कर दिया यानी कि आर बाई टू हो गया रजिस्टेंस सुनो तो बैटरी आपकी वही है बैटरी आपकी वही है मैं नहीं बोल रहा हूं भाई उसने बोला है पढ़ लो इफ पैरामीटर ऑफ द अदर इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन अनऑल्टर है ना तो बैटरी आपकी वही है वी वोल्ट की बैटरी है अब जो न्यू हीट निकालोगे वो कितना हो जाएगा हीट न्यू यहाँ निकाल तो फॉर्मला वही लगेगा क्या आई स्क्वायर आर टी का ही लगेगा लेकिन अब हम हम वो ना लगा के हम वोल्टेज वाला लगा रहे हैं हमने वोल्टेज के टर्म्स में भी तो लिया है सुनो फॉर्मलायर तो वी स्क्वायर रहेगा समझिएगा जरा बाय आर की जगह आप आर बाय टू रखोगे और टाइम को टी ही मान लीजिए ठीक और ये वाला टू यहां आ जाएगा तो यहां से ये हीट न्यू न्यू हीट कितनी आ जाएगी ट न्यू इज इक्वल्स टू टू ऊपर आ गया तो टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी और वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी क्या था इनिशियल मतलब जो पहले हीट थी प्रीवियस वाली हीट वो तो हीट न्यू कितना आ गया न्यू हीट इज टू टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन मतलब जितनी हीट पहले प्रोड्यूस करता था अब उसका डबल प्रोड्यूस करेगा ठीक है अब उसका डबल प्रोड्यूस करेगा सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर बताइए कोई समस्या है ठीक है बात समझे अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ठीक है अच्छा क्वेश्चन है कोई डाउट हो तो बताइए अब इसको एक और तरीके से समझा जा सकता था पता है अगर कुछ बच्चे सोच रहे करंट की हेल्प से हमें समझा दो मतलब करंट की हेल्प से समझो तो भाई करंट की हेल्प से आप कैसे समझोगे आप खुद सोचो ना करंट को आप थोड़ी ना कंट्रोल करते हो सुन लो ओम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ समझिएगा ओम में आपने क्या पढ़ा हुआ बताइए आपने पढ़ा है कि जो करंट है वोल्टेज पे डिपेंड करता है मतलब वोल्टेज अगर बढ़ाओगे है ना तो करंट बढ़ेगा ना ये आपने पढ़ा है ठीक लेकिन अगर हम वोल्टेज कांस्टेंट रख दें तो अब करंट चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा तो रजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ना तो रजिस्टेंस अगर हाफ हो गया है तो करंट भी कहीं ना कहीं चेंज होगा तो आप करंट पे मत भरोसा करो अपने वोल्टेज सोर्स पे भरोसा करो वोल्टेज सोर्स को आप कांस्टेंट रखते हुए तब सवाल को हैंडल कर लीजिए करेक्ट ओके तो ये चीज अब बहरहाल मैं ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं कर रहा हूं नहीं तो मुझे करंट निकाल के लाना पड़ेगा फर्स्ट के लिए भी फिर सेकंड के लिए भी पूरा आपको दिखाना पड़ेगा बोलो तो मैं दिखा भी सकता हूं ऐसे कोई बात नहीं है सुनो देखो अगर कोई कह रहा है मैं करंट से कर करके दिखाओ तो भाई मान लो पहले करंट कितना था आई करेंट था तो मैं करंट से भी करके दिखा दे रहा हूं अब करंट कितना हो गया आई डैश तो आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए वी अपॉन आर वी की जगह वी और आर की जगह आर बाई टू टू जाएगा ऊपर तो आई डैश टू जाएगा ऊपर टू वी अपॉन आर तो ये नया करंट आ गया ठीक और नया करंट आ गया हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ना आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई सो आर हाफ हुआ है तो मैं पूरा आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं देखिए करंट i डैश तो अब हीट कितनी हो जाएगी i डैश का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस की जगह r 2 और टाइम वही रखेंगे तो यहां से हो जाएगा i डैश का स्क्वायर यानी कि 2v 2 का स्क्वायर ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और v स्क्वायर और अपॉन में r का स्क्वायर r स्क्वायर इनटू r 2 तो ये लीजिए आपका करंट से भी आ गया 2 से 2 ये कैंसिल r से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना आ गया टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी तो उतना तो तो ही आ गया है ना टू आगे आ गया और वी स्क्वायर बाय आर टी की जगह हम एच रख देंगे तो न्यू हीट कितना आ गया ये एच न्यू है न्यू हीट डबल हो गया ठीक ऐसे करके आप करेंट की हेल्प से भी कर सकते हो बताइए कोई डाउट है हो जाएगा आगे बने ठीक पूरा एकदम सही तरीके से मैंने करके दिखा दिया ज्यादा भरोसा आप वोल्टेज पे रखो ना बैटरी भाई फिजिकली आप बैटरी लेके आते हो कहीं से तो वो तो फिक्स रहेगा ना ठीक तो इसलिए मैंने बैटरी को कॉन्स्टेंट मतलब वोल्टेज को मैंने कॉन्स्टेंट रखते हुए तब मैंने करा है ओके करेक्ट अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए ठीक है ना जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना तुम एग्ज़ाम आ रहा है याद कर लो अभी इस पर मैं डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ मुझे ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन इन्होंने क्यों दे दिया सीधे याद कर लीजिए लेटेस्ट पेपर है अगर सीधे आ गया तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्लास ट्वेल्थ का कॉन्सेप्ट है ये वाला

करेक्ट इसमें बहुत कुछ समझाना है और वो सब अभी हम नहीं करेंगे अच्छा एक चीज और एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ठीक ये क्वेश्चन आए तो आपको एजर्शन ट्रू करना है रीजन ट्रू करना है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन करना है दो तीन बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए लिया अब सुनो एक बात और बताते हैं आपको परेशान नहीं होना है आपको परेशान नहीं होना है सुनो ये नहीं एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं भाई एक क्लास में मैंने किया था एक्सप्लेनेशन इससे बढ़िया क्वेश्चन कर लो सुन लो मेरी एक बात और बता बताते रहो जब ये क्वेश्चन आया ठीक जब ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको आउट ऑफ सिलेबस चला गया आउट ऑफ सिलेबस चला गया तो फुल मार्क्स इसमें आपको मिले थे ठीक फुल मार्क्स आपको इसमें मिले थे गलत करने पर भी इसको चेक किया गया था ठीक है गलती से प्रिंट हो गया था क्वेश्चन पेपर में क्लास के ओके ठीक है अभी के लिए आपको बता दिया अब रिपीट नहीं करेगा ना एक बार गलती से प्रिंट हो गया रिपीट नहीं करेगा लेकिन अगर रिपीट करेगा तो यही करोगे उसको आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा और आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे ठीक चलिए पढ़ लिया है ना सबने आने के चांसेस बहुत कम है इसके बस एक बात बता रहा था आपको आया था एक पेपर में तो आपको बता दिया मैंने आराम से इसको पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए आराम से बताइए कंपाउंड कौन सा बनेगा भाई जल्दी से बताएं प्लीज सी यू, सी एल टू बनेगा कलर बताएं कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्री ब्लूइश ग्रीन बनेगा बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही कर लोगे बैलेंस वैलेंस कर लोगे कराए क्लास में है ना कर लोगे ना ठीक ठीक कर लोगे आगे बढ़े बताइए नेम ऑफ द कंपाउंड कॉपर सेकेंड क्लोराइड और उसका कलर कैसा है ब्लूइश ग्रीन करेक्ट फ्लेम कलर कौन सा फ्लेम कलर सारे फ्लेम कलर तो करा दिए यहां थोड़ा ना कोई फ्लेम कलर आपसे पूछा है चलिए आराम से पढ़ लीजिए बी पार्ट और मुझे बताइए एक्स क्या है वाई क्या है जेड क्या है बी क्या है <coughs> बिल्कुल सही एक बच्चे ने बताया है भाई एक्स आपका एनए है पहचान तो गए वो ठीक तो है एक्स आपका एन ए सी एल है बिल्कुल सही बात है भाई सोडियम क्लोराइड है बिल्कुल सही बात है टू गैसेस वाई एंड जेड मिला वाई लिबरेटेड एट कैथोड तो वाई आपका क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया ठीक है बिल्कुल सही बात है क्लोर एल्कली प्रोसेस है ये जेड आपका क्लोरीन हो गया बिल्कुल सही बात है ठीक और बी क्या हो गया आपका बी हो गया सीए ओ सी एल टू बिल्कुल सही बात है ठीक क्योंकि उसने क्या बोला आपसे ड्राई स्लेक लाइम पे है ना तो ब्लीचिंग पाउडर आप बना लोगे क्लोरीन गैस को पास करोगे ड्राई स्लेक लाइम पे करेक्ट तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा सही है कोई डाउट है बताइए किसी को हो जाएगा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्थ का डिफेक्ट बताइए कौन सा है डिफेक्ट का नाम मायोपिया है बिल्कुल सही बात है टू काजेज आपको पता है टू काजेज आपको पता है मायोपिया के कर लोगे टाइप ऑफ लेंस भी आपको पता है कौन सा है कॉनकेव हो जाएगा ठीक <coughs> है कलर ऑफ स्काई क्लियर स्काई अर्थ अपियर ब्लू आफ्टर फ्रॉम स्पेस इट एपियर्स हाँ इसका रीजन पता है आपको अर्थ पे ब्लू दिखाई पड़ता है स्काई और स्पेस में जाके देखोगे तो ब्लैक दिखाई पड़ता है यस करेक्ट 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 एटमोसफेयर और स्केटरिंग करेक्ट आंसर ठीक है यस ट्वेंटी सेवन का पार्ट वन आफ वाइल्ड इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करेंट सम हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है बताइए जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिस करते हो उसमें कुछ कुछ ड्रॉप आप एसिड एस टू एस ओ फोर या कोई एसिड क्यों डाल देते हो दिस दे नाइन इंटू इट्स ये बहुत अच्छा जवाब तो नहीं है इन ऑर्डर टू मेक द वॉटर कंडक्टिव येस वाटर को कंडक्टिव करने के लिए इनवर्स रेट ऑफ रिएक्शन ये सब कहा से आपने पढ़ लिया ठीक है एसिड क्यों मिलाते हैं हम वाटर को कंडक्टिव करने के लिए सॉल्यूशन को कंडक्टिव करने के लिए टू मेक द सॉल्यूशन कंडक्टिव ओके करेक्ट ठीक है रेट ऑफ कंडक्शन हाँ ठीक है रेट ऑफ कंडक्शन इंक्रीज करने के लिए नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड हाँ भाई बताइए जरा कैथोड पे कौन सी गैस अच्छा यहीं पे एक बात और डिस्कस करूंगा अभी यहीं पे एक बात और डिस्कस करूंगा अभी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन ठीक है अब सुनिए खास बात इंपॉर्टेंट भैया कॉपी पर नोट लगाओ दोनों सवाल आए हैं और एग्जाम में आंखें खोल तब जवाब देना आपको सुनिए देखिए बात समझिए वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में अगर वो आपसे एग्जाम में ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम एट कैथोड एंड वॉल्यूम एट एनोड का जो रेशियो है वॉल्यूम का अगर रेशियो पूछेगा वॉल्यूम एट कैथोड और वॉल्यूम ऑफ एट एनोड मतलब कैथोड पे कौन सी गैस मिली हाइड्रोजन यानी कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का अगर रेशियो मल्टीपल चॉइस में पूछेगा तब आपको क्या लिखना है टू रेशियो वन अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए इसी में उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा एक बार उन्होंने किसी किसी क्वेश्चन पेपर में 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 अभी जल्दी में मैं किसी क्लास में करा रहा था क्वेश्चन सुनिए यह क्वेश्चन मुझे कराना भी था मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन उन्होंने आपसे पूछा अब बताइए आप किस पे टिक लगाओगे बताओ क्या आंसर आएगा किसी बच्चे को पता है बताइए बताइए नहीं पता तो रिएक्शन लिख लीजिए <coughs> नाइन्थ क्लास के मोल कॉन्सेप्ट वाले से होगा आपको पता है कि जो आपका वाटर होता है वो आपको इलेक्ट्रोलिस आप करोगे तो आपको हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन देगा सही है बैलेंस करोगे तो टू और टू अब देख लो जरा टू टू सा कितना हो गया फोर ग्राम हाइड्रोजन मिला और यहाँ से पानी कितना लेके चले थे थर्टी सिक्स ग्राम ठीक है टू 4 टू सा फोर ग्राम हाइड्रोजन सिक्सटीन टू सा थर्टी टू ग्राम ऑक्सीजन मिल गया तो मास ऑफ द हाइड्रोजन मास ऑफ द ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लीजिए और याद कर लीजिए गलत मत कर देना बाय मास अगर पूछेगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका कितना फोर ग्राम बाय थर्टी टू ग्राम ग्राम से ग्राम कैंसिल और यानी कि कितना आ जाएगा वन रेशियो एट आ जाएगा तो बाय मास अगर पूछेगा तो वन रेशियो एट आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन में ठीक है अच्छा वो सब तो आप कर ही लोगे अगर मास ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन एट इज टू वन वॉल्यूम ऑफ एनोड इज टू वॉल्यूम ऑफ कैथोड तो वो आप चेक कर लीजिएगा आराम से देख लीजिए दोनों क्वेश्चन आए वॉल्यूम वाला भी आया है मास वाला भी आया है दोनों सवाल एग्जाम में उन्होंने पूछे हुए और दोनों ही क्वेश्चन को एमसी टाइप में पूछा हुआ है दोनों ही क्वेश्चन को एमसीक्यू टाइप में पूछा हुआ है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन पे ओके एम टाइप में इन्होंने आपसे पूछा हुआ है डायरेक्ट ही करना है आपको डायरेक्ट ही याद करके लिख दीजिए मतलब मैंने निकालना सिखा दिया रिएक्शन से नाइन्थ क्लास में में हमने किया था हम में। ठीक आपको जब भी पूछेगा तो एमसीक्यू टाइप में पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दोनों सवाल अभी कोई क्वेश्चन पेपर आ जाएगा कल परसों में तो मैं दिखा दूंगा आया हुआ क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन है क्या मैं आगे बढ़ू कर लोग वट इज ऑब्जर्व एन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट ये आपको पता है सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे तो आपको व्हाइट कलर का सिल्वर सॉरी ग्रे कलर का आपको हाँ, कलर का आपको दिखाई पड़ेगाटिक डिकम्पोजिशन है ठीक है ट्वेंटी एट का पार्ट वन कर लोगे बताओ जल्दी से बताओ यस पार्ट बी ट्वेंटी एट का पार्ट सेकंड बताइए कौन सा सॉल्ट बनेगा जब सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड करेंगे बताइए सोडियम सल्फेट बिल्कुल सही बात है पीएच बताओ कितना होगा इसका पीएच कितना होगा सेवन यस सल्फ्यूरिक एसिड जिनको नहीं पता है, देख लो भाई बैलेंस वैलेंस कर लेना सोडियम सल्फेट बनेगा आपका जबकि सल्फ्यूरिक एसिड है और uh, क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है एनी एच स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो बनेगा आपका क्या एन और साथ में आपका जो है वाटर यहां से निकल जाएगा ठीक वाटर आपका यहां से निकल जाएगा बैलेंस बैलेंस कर लेना पीएच हो जाएगा सेवन न्यूट्रल है पीएच हो जाएगा सेवन क्यों क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ सॉल्ट है आपका तो पीएच हो जाएगा आपका यहां पर सेवन बिल्कुल सही बात है ओके करेक्ट नौ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा पार्ट थ्री आप लोग को आता है सब लोग को कर लोगे आगे बढ़े जल्दी से देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी आराम से हो जाएगा थ्योरी से क्वेश्चन आया रिवीजन सीरीज से ठीक है ओके कॉपी पेन निकाल लीजिए और मुझे पार्ट बी को करके दिखाइए जल्दी से पार्ट बी करके दिखाइए V सेवेंटी फाइव बाय टू सेंटीमीटर है बिल्कुल सही बात है 37.5 सेंटीमीटर है बिल्कुल सही आंसर है वी बता दिया बच्चों ने चैट सेक्शन में सेवेंटी फाइव बाई टू बिल्कुल सही बात है भाई वेरी गुड वेरी गुड ठीक उसके बाद इमेज डिस्टेंस बता दिया हाइट ऑफ द इमेज बताइए हाइट ऑफ द इमेज फिफ्टीन सेंटीमीटर इन्वर्टेड बिल्कुल सही बात है हाइट ऑफ द इमेज है फिफ्टीन सेंटीमीटर हाइट है उसकी और इन्वर्टेड है माइनस फिफ्टीन का मतलब हो गया इन्वर्टेड ठीक है माइनस फिफ्टीन का मतलब हो गया इनवर्टेड माइनस का मतलब हो गया इन्वर्टेड बिल्कुल सही बात है ठीक है करेक्ट आंसर चलिए थर्टी फर्स्ट बताइए at the first किसी का जीरो पॉइंट टू फाइव अच्छा मीटर में आ रहा है ठीक 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 है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर भी सही है जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर भी सही है और नेचर एंड मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन कितना आएगा इसका बताइए जरा मैग्निफिकेशन बताइए कितना आएगा मैग्निफिकेशन माइनस वन बाय थ्री आएगा वन बाय थ्री आएगा प्लस वन बाय थ्री आएगा सबका गलत आ रहा है ये वन बाय थ्री कैसे आ रहा है भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए ये वाला भाई फोकल लेंथ आप लोग ट्वेंटी फाइव बता रहे हो तो उसका टू एफ कहाँ होगा फिफ्टी पे तो फिफ्टी पे ही तो रखा है टू एफ पे रखा है तो टू एफ पे तो बनेगा माइनस वन नहीं आएगा क्या कर रहे हो भाई ये क्या कर रहे हो एक बच्चे ने सही निकाला है बस फोकल लेंथ कितना है आ, कितना निकाला आप लोग ने ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ना तो फिर उसने कहाँ रखा है फिफ्टी पे रखा हुआ है तो अगर फिफ्टी पे रखा है तो टू एफ़ वाला केस नहीं है ये एफ है और ये टू एफ़ है ये एफ और ये टू एफ़ तो बताओ टू एफ़ नहीं रखा होगा फिफ्टी पे तो इमेज कहाँ बनेगी टू एफ़ तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी तो इमेज बनेगी मैग्निफिकेशन माइनस वन नहीं आएगा बताइए क्या डाउट है किसी को कोई डाउट है बताइए जल्दी से हेलो 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 नहीं ठीक है क्या कर रहे हो भाई माइनस वन बाय थ्री वन बाय थ्री पता नहीं कहां से आ रहा है हाँ जरा बताइए जरा वाई एसी करंट कंसिडर द एडवांटेजेज ओवर डी सी बताइए फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लेस एनर्जी लॉस्ट यस करेक्ट लेस लेस एनर्जी लॉस इज द करेक्ट आंसर ए में जो लॉसेस होते हैं एनर्जी के कम होते हैं लेस एनर्जी लॉस्ट करेक्ट ये सही वर्ड एग्जाम में लिखने के लिए लेस लॉस ऑफ एनर्जी ये भी सही है ठीक एन में लिखा हुआ है लेस एनर्जी लॉस ठीक है लेस पावर डिसिपेटेड भी सही है लेस पावर लॉस भी सही है एनर्जी बोल दीजिए क्या दिक्कत है ना पावर का मतलब हो गया पर यूनिट टाइम एनर्जी और एनर्जी का मतलब हो गया ओवरऑल एनर्जी तो एनसीआरटी में लिखा है लेस एनर्जी लेस लॉस ऑफ एनर्जी तो एनर्जी के टर्म में लिख दो क्या दिक्कत है ठीक कुछ लोग बेचारे अभी भी समझ रहे हैं क्या डिलीटेड है क्या नहीं डिलीटेड है भाई मतलब हद हो गई यार कुछ लोग बेचारे अभी परेशान है डिलीटेड है कि आएगा नहीं आएगा मत पढ़ो भाई रहने दो हाँ जरा ये वाला बताइए पार्ट सेकंड बच्चों हाउ इज़ द टाइप ऑफ करंट यूज इन हाउस होल्ड सप्लाई डिफरेंट फ्रॉम द वन गिवन बाय बैटरी ऑफ ड्राई सेल्स बताइए यस हाउस होल्ड ए यस यस गुड वेरी गुड हाउस होल्ड ए एंड बैटरी डी रिवीजन सीरीज़ वाले में मिला होगा आपको है ना ठीक है बिल्कुल सही है अच्छा बच्चों पार्ट थ्री बताइए ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज कैसे होता है क्या आप लोग बता सकते हैं एसी पढ़ के जाना है ए सी पढ़ के जाना है वो ए सी जनरेटर डिलीटेड है आपके टीचर ठीक से समझ नहीं पाए होंगे ए सी पढ़ के जाना है बाबू ए सी सप्लाई की बात कर रहे हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आ रहा है और ए सी नहीं पढ़ के जाओगे ए सी करंट और वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं ए सी जनरेटर नहीं आ रहा है ना ठीक से पूछिए अपने टीचर से चलिए तो बच्चों ये वाला कर लोगे बताओ फ्यूज़ वाला बताइए हाँ हाँ पढ़ लोगे रिवीजन सीरीज़ में मिला था कॉन्फिडेंस में हो बताओ रिवीजन सीरीज़ में मिला था मिला होगा अच्छे से पढ़ा होगा ठीक है बहुत अच्छा सवाल है एक बार भाई करा भी चुका हूँ रिपीट हो सकता है जल्दी से बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए मैक्सिमम ए मिनिमम बी बहुत सही भाई बिल्कुल सही बात है ऑर्डर में लिख दे रहा हूं और एक्सप्लेन एक दिन किया था बहुत डिटेल में याद है ठीक ए में मैक्सिमम होगा फिर आएगा नंबर किसका सी का और सबसे कम होगा आपका बी का तो ए में हो गया मैक्सिमम और बी में हो गया आपका मिनिमम जिनको समस्या है वो लोग देख लीजिए थोड़ा सा मैं आपको बना देता हूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होंगी और ऐसे ठीक यहां पे डिग्री ऑफ क्लोनेस सबसे ज्यादा फिर उससे कम यहां और सबसे कम यहां पर बाहर ठीक हो गया सही है ए में मैक्सिमम और बी में मिनिमम तीन नंबर में सवाल आपसे पूछा था उन्होंने ठीक है और अगर वो रीजन पूछेंगे शायद रीजन नहीं पूछे अच्छा गिव रीजन भी तो बोला है तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप बताओगे बताइए कोई समस्या डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप बताओगे ठीक है करेक्ट कर लोगे रिविजन सीरीज में आपको ये सारी बातें मिली होंगी आइए आगे बढ़िए एक दिन क्लास में भी कराया था अब देखो अब नहीं कर पाएगा अब देखो हाथ पैर फूल जाएंगे इसके अब नहीं कर पाएगा देखो ये सवाल आया अब देखो हाथ पैर फूल गए बेचारे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, का सवाल है भाई मैं नहीं बताऊंगा आप बताओगे पहले आप बताओ कि थर्टी फोर्थ का पार्ट ए और बी हो जाएगा देख लो आराम से एक बच्चा कह रहा है ये पेपर पहले भी हो गया है नहीं नहीं ये पेपर नहीं हुआ है इसका क्वेश्चन हुआ था एक दो पेपर नहीं हुआ है इसका वाला क्वेश्चन किया था सोलिनोइड uh, वाला क्वेश्चन किया था ये वाला पार्ट ए और बी तो कर लोगे बहुत बढ़िया हाउ आर द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड ये फर्स्ट और सेकेंड जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है बताइए क्या है ये दोनों एक दूसरे के बताइए बताइए बोलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है आइजोमर्स हैं वेरी गुड आइजोमर का सबसे पहला जो आपका आइजोमर ही तो है यार सिलेबस में वो भी नहीं करके आओगे तो ही क्या ही करोगे आइजोमर में क्या होता है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है तो चेक कर लो एक दो तीन चार पांच कार्बन है सिक्स कार्बन है तो सिक्स कार्बन है और हाइड्रोजन थ्री थ्री सिक्स और यहाँ पे सिक्स ट्वेल्व फोर्टीन ठीक है फोर्टीन हाइड्रोजन है यहाँ पे चेक कर लीजिए कार्बन कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन है और हाइड्रोजन थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व फोटीन ट्वेल्व प्लस टू सॉरी कितना हो गया ये तीन तीन छः तीन नौ बारह तेरह चौदह पंद्रह कितना हो गया तीन तीन छः तीन नौ नौ तीन बारह बारह दो कितना होता है बारह दो हो गया कितना फोर्टीन या मैं गलत काउंट कर रहा हूँ तीन तीन छ तीन नौ तीन बारह ठीक है बारह और दो कितने होंगे फोर्टीन यस ठीक तो है फोर्टीन तो है, है ना तो दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम है तो दोनों आइसोमर हो गए अब खास बात ये जरा जरा ध्यान दीजिएगा उसने आपसे बोला ड्रॉ वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर द ठीक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ड्रॉ टू वन टू इसके दो और आइजोमर बनाइए टू आइजोम इसके बनाइए चलो देखते हैं कि आप लोग क्या करोगे मुझे इसके जो आइजोमर टू बनेंगे दो आइसोमर्स के बनाइए और उसका आयु पैक नेम बताइए आयु पी नेम बताइए तब मैं मानूंगा कि हाँ आप बना पाए हो। इन दोनों को छोड़ के दो एक्स्ट्रा आयु पी नेम बताइए कॉपी उठाओ पेन उठाओ बनाओ दे है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ओके बताओ भाई बताओ फिर मैं बताऊंगा बताओ एक बच्चे ने बता दिया है टू मिथाइल पेंटेन चलो मान गए भाई बहुत सही मान गए आपकी बात सबसे पहले तो इसका आयुपीसी नेम करिए तो यहाँ पर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन वन टू थ्री फोर तो देखो बच्चों टू नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है और थ्री नंबर पे तो इसका नाम क्या पड़ेगा टू कमा टू स्ट्रक्चर वन का नाम है टू कॉमा टू डाई मिथाइल डाइ मिथाइल बताइए कोई समस्या टू नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है थ्री नंबर पे मिथाइल तो टू कॉमा थ्री डाई मिथाइल और स्ट्रेट चेन में वन टू थ्री फोर कार्बन इसलिए ब्यूटेन टू कॉमा टू डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया ये ठीक उसके बाद इसका आयु पैक नेम क्या होगा यहां से सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन तो वन टू थ्री फोर तो टू नंबर पे एक मिथाई लिए लगाए टू नंबर पे एक मिथाइल लिए ये. तो ये हो गया टू कॉमा टू डाई मिथाइल ठीक है दो नंबर पे एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे टू कॉमा टू डाई मिथाइल ब्यूटेन तो ये दोनों इसके आयु पैक नेम हो गए अब आप देख रहे हो कि स्ट्रेट चेन में फोर कार्बन रख के दो आइसोमर दे दिए इन्होंने हमें तो भाई हम स्ट्रेट चेन में फाइव कार्बन रख के बना सकते हैं क्या दिक्कत है बिल्कुल सही बताया एक बच्चे ने एक बच्चे ने एन हेक्सेन बताया था नॉर्मल हेक्सेन बिल्कुल सही बात है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक बच्चे ने ये बताया बिल्कुल सही बात है चेक कर लीजिए इसमें भी आपके सिक्स कार्बन है और हाइड्रोजन कितने आपके ठीक है तो ये हेक्सेन हो गया आपका और एक बच्चे ने पेंटेन वाला भी बताया बिल्कुल सही बताया तो एक बच्चे ने ये बताया एक दो तीन चार पांच इसने स्ट्रेट में रख दिए एक इसने साइड में कर दिया बिल्कुल सही बात है क्या दिक्कत है तो यहां पे हाइड्रोजन रखेंगे इस तरीके से तो एक बच्चे ने ये वाला बताया भाई वेरी गुड बहुत सही सही बात है वन टू थ्री फोर फोर ये फोर है और ये फाइव ठीक तो टू नंबर पे मिथाइल तो टू मिथाइल पेंटेन है ये बिल्कुल सही बात है और क्या बताया टू कॉमर थ्री डाईमिथाइल ब्यूटेन टू कॉमर थ्री डाईमिथाइल ब्यूटेन बहुत सही और अगर आप चाहो तो आप पेंटेन में ही वेरिएशन कर लीजिए ना एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच और यहां मिथाइल लगा दीजिए सीएस थ्री ठीक है बाकी सब जगह हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा आपका क्या वन टू थ्री थ्री मिथाइल पेंटेन है ये क्या है थ्री मिथाइल पेंटेन है ठीक और टू कमर थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन भी सही इस तरीके से आप बहुत तरीके के बना सकते हैं बताइए कम से कम टू आइजोमर्स तो पूछेगा ही बना लोगे बताओ वो भी कोई अजीब सा नहीं पूछ लिया उसने आपसे उसने हेक्जेन का पढ़ाया हुआ एनसीईआरटी में यदि आप ध्यान दें तो हेगजेन का शायद आपको स्ट्रक्चरल आइजोमर सभी पढ़ाए हुए हैं ना तो उसने कहीं अलग से नहीं पूछ लिया उसने हेक्जेन के दो दे दिए और कह रहा है एक बता दो तो कौन सा गुना कर दिया भाई उसने ऊपर से कितने नंबर में पूछा है पांच नंबर में इसको मिला के ठीक है ठीक उसके बाद वन सेकेंड वन सेकेंड आ रहा हूँ मैं यस yes. हाँ ठीक है तो ये सारी चीजें हैं कर लोगे आप लोग कोई ऐसा उसने कुछ अलग पूछ नहीं लिया था बिल्कुल सही पूछा था सिलेबस सही आएगा अब देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसेच्युरेटेड कार्बन कमाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देर जनरल फॉर्मूला ठीक कर लोगे बताओ एल्केल्किन और एल्काइन के बारे में लिखना है हाँ ठीक है हो जाएगा चलिए बी वाला आप आराम से देख लीजिए और बी का पार्ट वन सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या सारे आप कर लोगे बताओ सब कुछ क्लास में पढ़ा है पढ़ लो पहले फिर एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं कर लोगे जरा इसके सेकंड वाले पार्ट में बताना कि टेम्परेचर क्या लिख के आओगे एग्जाम में एनसीआरटी में कुछ दिया हुआ है वाई इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड सो कॉल्ड कॉल्ड सो बताओ यही तो इंपॉर्टेंट बात है बताइए टेम्परेचर बताइए कितने टेम्परेचर पे ये फ्रीज कर जाता है आपका एसेटिक एसिड और ग्लेशियल जैसा दिखाई पड़ता है बताइए टू नाइनटी कैल्विन ठीक है ठीक ठीक है बिल्कुल सही बात है टू केल्विन कैल्विन पे ही ये क्या होता है मतलब ये फ्रीज कर जाता है फ्रीज करके कैसा दिखाई पड़ता है ग्लेशियल जैसा चमकता हुआ है ना सुंदर था सपोनिफिकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ाया कर लोगे अब देखो ये 36 का पार्ट वन है ना इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे कनेक्टेड है कैसे रिलेटेड है? है आपको पता ही है कि करंट इज प्रोपोर्शनेट टू मींस करंट फ्लोइंग थ्रू हाँ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज प्रोपोर्शनेट टू

क्वेश्चन में गलत कर देगा देखो पहले बताइए वाई शुड एन एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों होना चाहिए बताइए बताइए मिनिमम करंट पास इजली ये क्या भैया सही आंसर बताइए एनसीआरटी के शब्द बताइए एनसीआरटी के शब्द जो एनसीआरटी के शब्द लिखे हुए क्या लिख के आओगे एग्जाम में बताओ एनसीआरटी पढ़ी आपने सो दैट द करंट शुड नॉट बी ऑल्टर है ना ठीक रेजिस्टेंस अगर लो होगा तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास कर जाएगी मोस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू द एमीटर ठीक है तो एमीटर विल नॉट अपोज द करंट एमीटर करंट को अपोज अपोज नहीं करेगा तो जितनी भी रीडिंग है करंट की वो पूरी की पूरी आ जाएगी सो इट विल नॉट ऑल्टर द रीडिंग ऑफ द करेंट ओके करेक्ट रीडिंग ऑफ द करेंट ठीक है लिख लोगे आगे बढ़े अब आप इसको पढ़िएगा यहीं कहीं दिया होगा इट विल नॉट अल्टर द रीडिंग ऑफ द करेंट ओके तो ऐसा आप लिख के आ सकते हो एग्ज़ाम में नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ये वाला जरा क्वेश्चन का आंसर बताइए और सही बताइएगा ए सीरीज में और बी पैरेलल में बिल्कुल सही बात है ए सीरीज एंड बी पैरेलल सही है मैंने आपको बोला था कोई ऐसा पेपर नहीं बनाया जिसमें आइनिक कंपाउंड के सवाल ना आए देख लीजिए पढ़ लीजिए आराम से और मुझे बताइए कि ये हो जाएगा सवाल या नहीं होगा पढ़ लीजिए ये सैन सी आर टी की टेबल्स हैं बिल्कुल सही बात इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा प्रॉपर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद ट्रांसफर भी आप दिखाओगे और फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आपको दिखाना है ठीक है करेक्ट अब देखिए थर्ड का पार्ट ए पढ़िए ये भी आराम से हो जाएगा देख लीजिए भाई सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए हैं थर्ड का पार्ट ए भी आराम से हो जाएगा ठीक फिर थर्ड का बी पार्ट वन पार्ट सेकंड पढ़ लीजिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं हाँ ये बिकॉज ऑफ दे आर स्ट्रक्चर, देर इज नो फ्री आयन ठीक है बिल्कुल सही है। और बी का सेकेंड पार्ट देख लीजिए और बता दीजिए सेकेंड पार्ट कौन से टॉपिक से रिलेटेड है बी का सेकेंड पार्ट कौन से टॉपिक से रिलेटेड है बताइए क्लोर एल्कली प्रोसेस से तो आपको पूरी बातें पता होंगी अब देखिए अब ये समझ लो आप बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर कर रहे हो ठीक कॉपी पेन निकाल लीजिए कॉपी पेन निकाल लीजिए पहले आप एक काम करो रुक जाओ आराम आराम से करो है ना आराम आराम से करो रुको पहले आप थर्टी नाइन्थ का पार्ट वन करके मुझे दिखाओ पार्ट वन करके दिखाओ पार्ट वन का आंसर डेसिमल के टू प्लेसेस तक बताइए वन पॉइंट टू फोर इज़ द करेक्ट आंसर डेसिमल के थ्री प्लेस तक निकालोगे और राउंड ऑफ करोगे टू प्लेस तक तो नेहल का आंसर बिल्कुल सही है वन पॉइंट टू फोर इंटू टेन द पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक से चेक कर लीजिए और कोई डाउट हो तो बताइए नेहल का आंसर बिल्कुल सही है वन पॉइंट टू फोर इंटू टेन द पावर एट मीटर पर सेकेंड और किसी का आंसर नहीं सही है ऋषिका आपको भी नंबर मिल जाएंगे आपको भी नंबर दे ही देगा भाई वन पॉइंट टू थ्री पे भी मिल जाना चाहिए लेकिन थ्री प्लेसेस तक करोगे और उसको राउंड ऑफ करोगे टू प्लेसेस तक तो वन पॉइंट टू फोर आएगा बिल्कुल सही आंसर है पर नंबर मिल जाएंगे ऐसा कोई टेंशन नहीं इतना ठीक हो गया आगे बढ़े ज़रा सेकेंड पार्ट का आंसर बताइए जरा यस बताइए जरा सेकेंड पार्ट में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यस yes. यस yes. अब देखो बेचारे कुछ लोग लगा नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों है भाई हम्म ये तो बहुत आसान है यार

तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन का मतलब देखिए सुन लीजिए पहले तो आप ये वाला रिलेशन देखो जिसका एब्सलूट रिफ्रेक्टिविटी सबसे कम उसका एंगल ऑफेक्शन सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ वाटर का सबसे ज्यादा होगा कि वाटर का रिफ्रेक्टिविटी सबसे कम है फिर आपका किसका होगा 1.5 1.5 वाले का किसका है ग्लास का और फिर आपका आएगा क्या कार्बन डाइसल्फाइड सी एस टू का मतलब कार्बन डाइसल्फाइड देख लीजिए ये मैंने किसका ऑर्डर लिखा हुआ है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इंक्रीजिंग Order off, बताओ कोई डाउट है सही लिखा है चेक कर लो इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ सबसे कम एंगल कार्बन डाइसल्फाइड फिर ग्लास में और फिर वाटर में ऑर्डर <coughs> देख लीजिए कैसे लिखा जाता है इंक्रीजिंग पूछा था तो छोटे से बड़े की तरफ लिखूंगा ठीक बताइए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला टेबल लर्न करना है पता है एक काम करो अभी तो याद कर लो अब एग्जाम आ रहा है ना एक, एक दिन पहले बस वैल्यू को ठीक से देख लेना वैसे भी वो तुम्हें मतलब इतना तो नहीं फंसाएगा लेकिन हाँ ये फंसा सकता है तुम्हें कि वाटर और डायमंड में ऐसे पूछ लेगा वाटर और डायमंड में कौन ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर ऐसे पूछ सकता है एग्जैक्टली exactly वैल्यू मतलब सॉरी ना वैल्यू एग्जैक्टली exactly लगाना लगाने का काम नहीं है कहीं पर समझो न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम एकदम तुम्हें याद हो हाँ वाटर की याद होनी चाहिए वन ठीक एकदम से न्यूमेरिकल वैल्यू याद हो वो जरूरी नहीं है लेकिन हाँ ऑर्डर थोड़ा सा पता होना चाहिए किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है ठीक ओके वैल्यू नहीं याद करनी यार वैल्यू याद करके तुम क्या ही करोगे तुम्हें ये पता होना चाहिए किसका ज्यादा होता है किसका कम एक ऑर्डर पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा और पता है एक बार बताऊं परेशान नहीं करेगा नहीं परेशान करेगा सिर्फ वाटर और डायमंड का ही पूछेगा ही तुमसे वो वाटर ग्लास और डायमंड का ही पूछेगा कॉमन चीजों का पूछता है परेशान नहीं करेगा इतना वो तुम्हें इतना पता है देना होगा तो ये क्वेश्चन देगा ना भाई ऐसा क्वेश्चन देगा ना वो सब फालतू क्वेश्चन तो आने के कम चांसेस तो किस्मत ही बहुत खराब हो तो अलग बात है <coughs> अच्छा जरा ये वाला करके दिखाइए जरा थर्ड का पार्ट ये जरा करके दिखाइए जरा अच्छा 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 हाँ बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली डेंसर एंड इनमें से कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है एक बच्चा कह रहा है वैल्यू वो दे देते हैं देखो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल देगा ना सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल देगा ना तो वैल्यू वो लोग देंगे आप परेशान ना हो जैसे वाटर की मान लो नहीं देंगे डायमंड भी अब बहुत फेमस हो गया टू पॉइंट फोर टू नहीं देंगे बाकी सबकी वैल्यू देंगे भाई क्यों परेशान हो आप मैंने कंपैरिजन के लिए बोला है कि किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका कम ये थोड़ा सा पता होना चाहिए बस हाँ बताओ जरा इसमें से कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है बताना भाई ज़रा बच्चे ग्लास बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है ऑप्टिकली डेंसर वो होता है ऑप्टिकली डेंसर वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस होती है तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में लेस है इसलिए वो ऑप्टिकली डेंसर है बिल्कुल सही जवाब है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल सही जवाब है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा देखो एक ये क्वेश्चन पूछ लिया है आप लोग बताइए इसमें आपको कोई डाउट है क्या बी पार्ट जरा पढ़िए जरा क्या होगा बी पार्ट येस yes. क्या होगा इसमें बताओ हाँ रिफ्रेक्शन नहीं होगा सीधा निकल जाएगा ना लाइट क्योंकि नॉर्मली फॉल कर रहा है ना ठीक है थिक ग्लास कंटेनर ये इस तरीके से आ रहा है नॉर्मली फॉल तो सीधे निकल जाएगा क्या दिक्कत है ठीक तो है अब आप एक काम करो ये बी पार्ट है जरा इसका स्पीड इन वैक्यूम एंड स्पीड इन, इन वाटर जरा निकालिए देखते हैं क्या करोगे करिए बी पार्ट का करिए करिए वैक्यूम में थ्री इंटू टेन एट मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है नेहल का करेक्ट और वाटर में ज़रा निकालिए देखते हैं क्या करोगे वाटर में क्या हो गया भाई वाटर में बताइए वाटर में टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू एट मीटर पर सेकेंड सही तो है सही आंसर वाटर में टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू मीटर पर सेकेंड सही आंसर बिल्कुल आ रहा है वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर किया है बच्चों ने आगे बढ़ते हैं बिल्कुल सही आंसर है ठीक है ये ख़त्म हुआ ठीक है कल कोशिश करेंगे दो पेपर और डिस्कस कर लें ठीक अभी इसको हम एंड करते हैं यहाँ पर जाइए और और अच्छी तरीके से पढ़िए क्योंकि जो पेपर आएंगे 2023 का वो डिफ़िकल्ट होगा कल वाला जाइए जाइए